हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू सनमेक व्लॉग्स। डेली व्लॉग्स में आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और अभी गुड इवनिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शाम के 4 बज रहा है और आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा मिनी इवनिंग व्लॉग शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने इवनिंग रूटीन में क्या करती हूँ। नाइट तक शेयर नहीं करूँगी, सिर्फ इवनिंग रूटीन, और थोड़ी बातें भी करनी है आप लोगों से। और अभी उठी हूँ मैं सुबह 12-1 बजे तक लंच वंच करके, मतलब अप्रॉक्स 2 बजे तक मैं 2 बार खाना खा लेती हूँ, दवाई मेडिसिन सब कुछ लेकर फिर मैं सो जाती हूँ। और 4 बजे या 5 बजे उठ के फिर मैं अपना इवनिंग रूटीन करती हूँ डेली का। क्या करती हूँ ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अभी। और उठना भी ज़रूरी होता है, वरना कभी कभी मैं बहुत लेट तक सो जाती हूँ, और जब बहुत लेट तक सो जाती हूँ तो मेरे को बहुत इरिटेशन हो जाती है रात में, मैं रात भर नहीं सो पाती हूँ फिर। और प्रेगनेंसी में एटलीस्ट 2-3 घंटे तो दिन में रेस्ट करना चाहिए, ये डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं, और ये आपकी हेल्थ के लिए भी, आपकी बेबी के लिए भी ठीक रहता है। सो स्टार्ट करते हैं आज का माय इवनिंग रूटीन। तो चलो पहले मैं उठती हूँ और जो जो मैं करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर जो मेरी सुबह मॉर्निंग में रूटीन रहता है, बिस्तर सेटअप करना सुबह उठ के, वही इवनिंग में रहता है क्योंकि मैं सोती हूँ तो 4-5 पिलो यूज़ करती हूँ, बैक में लगाती हूँ और बैली में लगाती हूँ, पेट में, तब जाके कंफर्टेबल होकर सोती हूँ। और फिर उसके बाद मैं अपना रोज़ इवनिंग में वही थोड़ा बहुत बेड मैसअप हो जाता है तो उसको सेट करना होता है, फिर 2 मिनट रेस्ट लेकर। और बाल तो यार, जब तक बाल ऊपर ना बांधो, ऊपर को ना ही बांधो तो गर्मी रहता है, तो इसलिए बालों को ऊपर कवर करके ही काम किया जाता है। फिर मैं किचन में जाती हूँ और एक गिलास भर के पानी लेकर आती हूँ नॉर्मल, और फिर ये पानी मैं पीती हूँ धीरे धीरे करके, क्योंकि जैसे हम रात में सोते हैं तो बॉडी हमारी प्यासी रहती है, हम सुबह भी पानी पीते हैं उठकर, वैसे ही हम इवनिंग में चाहे 2-3